तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ एंड फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत में खाएं ये चीज़ें बनी रहेंगी आपकी एनर्जी। मखाना, मखाने का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है दोस्तों और बॉडी भी हेल्दी रहती है। इसका सेवन खीर के रूप में भी कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट व्रत में केला, सेब, अंगूर और बेर का सेवन कर सकते हैं। इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। कुट्टू का आटा, कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी, हलवा और पूरियां बनाकर खाएं। इससे पेट देर तक भरा रहेगा। साबूदाना, साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है दोस्तों, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इससे खीर या पकौड़ी बना सकते हैं। ठंडाई पिएं, दूध से बनी ठंडाई कैल्शियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए व्रत में इसका सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों। मूंगफली खाने से शरीर को ताकत मिलती है, इसके अलावा पाचन क्रिया को भी बेहतर रखने में मददगार है। साबूदाना खिचड़ी, अगर आपको साबूदाना पसंद है तो इससे बनी खिचड़ी भी खा सकते हैं, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। सात्विक भोजन करना चाहिए। आलू, कद्दू, अरबी और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।